नमस्कार, दिल से स्वागत है। देश में ऐसे कितने लोग हैं जो जादू कर सकते हैं। आज के समय में ऐसे लोग कम मिलते हैं, जो कहीं भी हो, जो मंच पर हो, जो सड़क पर हो, जो सिनेमा में हो, जो राजनीति में हो, कहीं भी हो, लेकिन लोगों का दिल लूट सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं और हमारे साथ हैं देश के मशहूर, कहना चाहिए गीतकार हैं, और जो अच्छी पटकथा लिखते हैं, जो सिनेमा के कारण भी लोकप्रिय हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने के लिए लोकप्रिय हैं, हमारे साथ हैं श्री जावेद अख्तर साहब। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, दिल से धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा कि जादू की बात की, एक बड़ा रहस्यमय मामला है जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो दिल से ये मालूम होना चाहिए कि जादू जो है क्या है, या आपका जादू, या आप खुद ही जादू हैं। ये सब पता लगा के आए हैं आप। आपका सवाल ये बता रहा है कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। ये सही है कि मेरे घर का नाम जादू है, और अभी भी मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, या जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, या मेरे माँ बाप के जो दोस्त हैं, वो मुझे जादू ही कहते हैं, जावेद नहीं कहते। पिताजी को कैसे मालूम हो गया होगा कि बच्चा है, घर में आया है, ये जादू करने वाला है? उल्टी कहानी है। आमतौर से क्या होता है कि नाम रखा जाता है और फिर उससे पेट नेम बन जाता है। मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं ग्वालियर में पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में, तो मेरे फादर अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए अपना बच्चा दिखाने के, भाई ये मेरे बेटा सपूत पैदा हुए हैं। तो किसी ने कहा, भाई नाम क्या है बच्चे का? तो कहने, अभी तो नाम तो सोचा नहीं है। तो एक दोस्त ने कहा कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने एक नज़्म लिखी थी जिसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो इसका नाम जादू ही रख दो। तो मजाक मजाक में बात तय हो गई और सब मुझे जादू ही कहने लगे। अब जब मैं 2-3 साल का हो गया और केजी वगैरह में भेजा जाने वाला था, 3 साल या 3.5 साल की उम्र में, तब लोगों ने कहा, भाई कुछ तो अब इसका नाम रखो, जादू कैसे अकेला होगा। तो फिर जादू से मिलता जुलता नाम सोचा गया, जावेद। तो एक्चुअली मेरा नाम जावेद जादू की वजह से पड़ा है। तो कुछ उल्टी गंगा शुरू से ही बह रही है। देखिए, ग्वालियर जैसा माहौल, फिर उसके बाद अलीगढ़ जैसा माहौल, लखनऊ जैसा माहौल, भोपाल जैसा माहौल, मैंने आपने जैसे कहते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, सबके जो स्वाद चखे हैं, ये इसमें कहीं संघर्ष की कहानी भी तो होगी? संघर्ष भी है, लेकिन मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। देखिए, अपने समाज को समझने के लिए, अपने देश को समझने के लिए, और ख़ास तौर से अगर आप मास मीडिया में हैं जैसे आप हैं या मैं हूँ, हमें तब तक समझ ही नहीं आ सकता अपना समाज अगर हमें छोटा शहर और बड़ा शहर दोनों नहीं मालूम। तो मुझे ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं लखनऊ और भोपाल और अलीगढ़ में पला बढ़ा, इसलिए कि इन्होंने मुझे एक सेंसिबिलिटी दी, और 19 बरस की उम्र में मैं मुंबई गया, उसने मुझे एक और सेंसिबिलिटी दी। तो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपने शहर जो छोटे छोटे हैं, उनके लोगों को, उन घरों को, उन मकानों में क्या बात होती है, क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं, उन्हें भी हम जानते हो। और उन कस्बों में आप डिबेट बोलने लगे, कुछ कविता शायरी तभी करने लगे, या पहले भाषण देना शुरू किया? नहीं, डिबेटर तो था मैं कॉलेज में, और बहुत अवार्ड जीते सेफिया कॉलेज, जी हाँ, और फिर विक्रम यूनिवर्सिटी थी, उसे भी रिप्रेजेंट किया। यूथ फेस्टिवल होता था यहीं ताल कटोरा गार्डन्स में, क्यों बंद कर दिया गया मालूम नहीं, बड़ा अच्छा होता था। हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी से 20-22 लड़के लड़कियों का ग्रुप आता था, और फिर 15 दिन तक एक जगह वो लोग रहते थे, डिबेट भी होती थी, ग्रुप डिस्कशन होते थे, थिएटर, म्यूज़िक, ड्रामा, हर चीज़ साथ में करते थे। बड़ा खूबसूरत था वो। मैं चाहूँगा कि सरकार उसे फिर शुरू करे। तो उस पढ़ाई के दौरान भी जिस तरह का आपको ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं, जो मुंबई जा कर के कुछ करूं, या शायरी में मुझे कुछ करना है, मतलब उस समय आपका टारगेट क्या था? देखिए, जब कुछ बड़ा क्रांतिकारी दौर था ना, मतलब या तो आप नेता भी बन सकते, तुरंत भोपाल में सक्रिय हो जाते, तो शायद शंकर दयाल शर्मा जी आपको अपने साथ ले आते दिल्ली। वो जब हम लोग कॉलेज में थे तो शंकर दयाल शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो जब भी हम लोग जुलूस निकालते थे तो उन्हीं के घर पर जाते थे, तो वो पहचानने भी लगे थे मुझे इसी वजह से। और फिर बाद में जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी उनसे कई बार मुलाकात हुई, मेरे फादर से भी जान पहचान थी अच्छी उनकी। जब मैं कॉलेज में था तो डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेता था। शायरी तो कुछ
घर का कारोबार रही है बहुत ज़माने से, मेरी तो 7 पीढ़ियाँ शायर रही हैं, और मेरे मामा भी बहुत बड़े शायर थे मजाज। तो मैं जब मेरे ख़्याल से 14-15 साल का हुआ, तब तक मुझे कई हज़ार शेर याद थे ज़बानी, तो हवा में थी चारों तरफ शायरी और राइटिंग, सारे लिटरेरी मैगजीन घर आते थे। जब आप लिखते लिखते होंगे या बोलते होंगे तो कोई कहता भी होगा अरे गलत पढ़ा या कुछ ऐसा कुछ सुधार। उसमें मैं लिखता ही नहीं था, उसमें मैं लिखता नहीं था, पढ़ता ही था। आजकल गड़बड़ क्या हो गई कि पहले ही मौके पर लोग लिखना शुरू कर देते हैं, पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों की वजह से, अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि माँ भी लिखती थी, बाप भी लिखते थे, तो इनके जो दोस्त थे वो भी सारे राइटर्स थे। तो ये जितने बड़े बड़े आज आप राइटर्स की बात करते हैं, अब शिव मंगल सिंह सुमन जी, और वो मेरे फादर कलीग्स थे ग्वालियर में, उसके बाद मैं जब भी उज्जैन जाता था उनसे मिलता था, जितने बड़े आप राइटर, कृष्ण चंद्र हैं, इसमें चुगताई हैं, रण सिंह बेदी हैं। आपका कौन सा पेटेंट ऐसा उस समय कोई ऐसी थी जिसको आपको लगता था कि हर मंच पे जाके वही सुनाऊं? नहीं, उस ज़माने में क्या था कि जो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट था ना, जो ये प्रगतिशील मूवमेंट, ये बहुत हम लोगों को उसने इन्फ्लुएंस किया। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि जो भी मेरे विचार हैं, जो मेरी थिंकिंग है, जो कुछ भी है वो है क्या, लेकिन ये ना मैंने किसी सोशोलॉजिस्ट से सीखी है, ना मैंने किसी इकोनॉमिस्ट से सीखी है, ना किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से सीखी है, ये तो मैंने प्रोग्रेसिव लिटरेचर पढ़ के सीखी है। मैंने कृष्ण चंद्र से सीखी है, फैज से और साहिर से सीखी है, कैफ़ी से सीखी। फैज साहब और कैफ़ी साहब का कोई ऐसा शेर था जो उस समय आपको ज़्यादा आप सुनाते हो? किसने किसने साहब, देखिए क्या क्या लिखा है इन लोगों ने, कितने खूबसूरत शायरी की है। मुझे तो कृष्ण चंद्र के प्रोज पैराग्राफ ज़बानी याद है। और मैं उनका, मेरी जो पहली किताब है तरकश, आमतौर से होता है कि किताबों के पहले पेज पे शेर लिखा होता है और किताब प्रोज में होती है, मेरी किताब पोइट्री में है लेकिन बाहर एक कोट मैंने कृष्ण चंद्र का ही लिखा है। तो मैं उनका बड़ा फैन था। और कुछ ड्रामा भी करते थे उस समय? ये भी किया है, लेकिन वो भी कभी कभार स्टेज पे, लेकिन डिबेट जो था वो मेरा मेन। लेकिन सपना था मुंबई जाने का? हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर आप लिटरेचर से इंटरेस्टेड हैं, फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं, और साथ में फिल्मों से भी, तो बचपन से ही फिल्मों का शौक था। दिलीप कुमार साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं 8 साल का था, 9 साल का था, 10 साल का था, तब तो हीरो ही बनना चाहता था, मैं भी तलवार चलाऊंगा ऐसा सोचता था घोड़े पर बैठ के। तो खैर बड़ा हुआ तो ये सब बातें तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिल्मों से दिलचस्पी बाकी रही। और मैं सोचता था कि ग्रेजुएशन के बाद बम्बई जाऊँगा, मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे गुरुदत्त जी, मैं सोचता उनके यहाँ जाके असिस्टेंट बनूंगा और उनसे सीखूंगा 2-3 साल, फिर फिल्में डायरेक्ट करूंगा। अब किस्मत का करना ये हुआ कि जब मैं गया तो उसके ही 8-10 दिन के अंदर वो इस दुनिया से चले गए, तो उनसे तो मैं कभी मिल ही नहीं पाया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से ज्वाइन किया। पहली नौकरी मिली मुझे कमाल साहब के यहाँ, 50 रुपये महीना सैलरी थी। चलिए, तो इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जिस समय इस बात पर बात करेंगे कि 50 रुपए से काम शुरू किया, भोपाल से सपना देखा कि हीरो बने, लेकिन उसके बाद कैसे कैसे वो तो बड़े बचपन की बात जी, तो कैसे उसके बाद कैसे आगे बढ़े, उस बातचीत को हम जारी रखेंगे। जावेद अख्तर साहब से आप देखते रहिए दिल से, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जब आप गीत लिखते थे या स्क्रिप्ट लिखते थे तो इसको कहते हैं कि सुंदरता, महिलाएं, या किस तरह से किसको फोकस आप करते हैं? एक थीम तो अलग चीज़ है, सिचुएशन से इंस्पायर होते हैं। जैसे मेरी जो लिटरेरी पोइट्री है वो मैं जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखता हूँ। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर शायर, फिल्मकार जावेद अख्तर साहब से। जावेद साहब, अभी हमने जैसे बात की कि आप फिर भोपाल से मुंबई की तरफ आए, मुंबई जो है वो बड़ा समुद्र है और कुछ बड़े बड़े माफिया भी हैं, उसके बीच में कैसे आप टिके? देखिए, वो उम्र ऐसी होती है कि आदमी को लगता है कि हम तो सभी कुछ कर लेंगे,
अच्छा, एक बार जब आप उतर जाए तो जब मुश्किलें आती हैं तो अब आती हैं ऐसा लगता है कि अब ये चली जाएगी। तो शुरू के 5 बरस जो थे, समझिए मैं गया वहाँ अक्टूबर 69 में, 4 अक्टूबर 69, और पहला सही तरह से जैसे आप कहें काम, बीच में कई काम किए, ऐसा नहीं बेरोज़गार नहीं रहा, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी नौकरी होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन जो सही पटरी पे गाड़ी आई वो आई 1970 जनवरी में। तो समझिए ये 5 बरस की कहानी है कि 5 बरस जो थी वो ज़रा जो भी मुसीबतें आती हैं ऐसे तो उस समय कौन, जैसे गुरदत्त साहब तो नहीं रहे, लेकिन उसके बाद फिर कौन से ऐसे कमाल साहब के साथ रहे? नौकरी की उसके बाद कमाल साहब की वो पिक्चर बंद हो गई जिसमें असिस्टेंट था मैं, तो वहाँ से भी नौकरी, 50 रुपये की भी नौकरी हाथ से निकल गई, फिर 100 रुपये महीना पे नौकरी मिल गई, तरक्की हो गई, और वहाँ फिर डायलॉग भी लिखे और क्लैब भी मारता था। हफ्ते भर में खर्च भी कर देते हो? अरे कहाँ, हफ्ते भर में खर्च करते तो बाकी 3 हफ्ते कहाँ से कटते, तो किसी तरह गुजर बसर उसमें करते थे। फिर ब्रिज एक डायरेक्टर होते थे, एक पिक्चर बन रही थी यकीन, उसमें मैं असिस्टेंट हो गया, उसमें मैंने डायलॉग भी लिखे, असिस्टेंट भी हुआ, वहाँ 175 रुपये महीना की। डायलॉग उर्दू में लिखते हैं आप? मैं डायलॉग उर्दू में लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखता हूँ, और उसके बाद वो कोई भी असिस्टेंट जो है वो सिर्फ वो ये तो लिपि सिर्फ फर्क कर देते हैं, स्क्रिप्ट वरना तो वर्ड्स तो वही होते हैं। हमारी पिक्चरों में ज़्यादातर जो सॉन्ग राइटर हैं और डायलॉग राइटर रहे हैं वो उर्दू ही स्क्रिप्ट में लिखते रहे, लेकिन ये ज़बान जो है इसको आप असल में जो हमारी फिल्मों की ज़बान है वो हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी ज़बान हुआ करती थी जिसका नाम अब नहीं सुनने को आता है, अब हिंदी तो सुनने को आता है, उर्दू भी सुनने को आता है, लेकिन हिंदुस्तानी जो है जिसे एक मरता गांधी जी ने कहा था कि नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हिंदुस्तानी कहाँ खो गई है, कम से कम सरकार के दफ्तरों में तो नहीं रही, लेकिन फिल्मों में और पॉपुलर मीडिया में जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो ना पर्शनाइज्ड उर्दू है ना संस्कृताइज्ड हिंदी है, वो हिंदुस्तानी है। तो स्क्रिप्ट के साथ आपका कौन सा मैंने गीत जिसको कहना चाहिए कि आपको फिर पर्दे पर देखने को या लिखने के लिए मिला? गीत मुझे पहली बार 1980-81 में यश चोपड़ा साहब की पिक्चर थी सिलसिला, उसमें मैंने लिखा। मेरा असल में सच पूछिए तो जो गीतकार का करियर है उसमें यश चोपड़ा साहब का बड़ा हाथ है, और मैं तो बनना नहीं चाहता था, उनको पता नहीं क्यों इस बात पे पूरा यकीन था कि मैं गीत लिख लूँगा और अच्छे लिखूँगा, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मजबूर करके गीत लिखवाए। जब आप गीत लिखते थे या स्क्रिप्ट लिखते थे तो इसको कहते हैं कि सुंदरता महिलाएँ या किस तरह से किसको फोकस आप करते हैं? एक थीम तो अलग चीज़ है लेकिन उसके साथ में होता है कि इंस्पायर कौन करता था आपको, तो कहते प्रेरणा जिससे मिलती है कि मैं लिखूँ और ऐसा लिखूँ जो इस तरह से गूंजे गली गली में सुना जाए। देखिए अब वो ये बहुत मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने वो गाना लिखा है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो आपने किसे सोच के लिखा था? ये सब कमीशन राइटिंग है, होता क्या है सिचुएशन होती है फिल्म की, ये फिल्म की सिचुएशन है, ये कैरेक्टर है, इसकी यहाँ पर थीम जो है क्या हो सकता है, क्या गीत लिखा जा सकता है, उस हिसाब से इंस्पायर होते हैं हम, सिचुएशन से इंस्पायर होते हैं। जैसे मेरी जो लिटरेरी पोइट्री है वो मैं ज़िंदगी से इंस्पायर होकर लिखता हूँ, तो इसमें ये भी होता है कि कभी जैसे है तो शबाना जी से भी इंस्पायर हुए ज़रूर, वो तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब कोई रोमांटिक गीत भी लिख रहे हैं तो नाक किसी की है, आँख किसी की है, कान किसी का है, बाल किसी के, तो चेहरा धीरे धीरे आपकी फैंटेसी में कुछ और बनता है, लेकिन इंस्पिरेशन तो उन्हीं चीज़ों से मिलता है, उन्हीं लोगों से मिलता है, उन्हीं बातों से मिलता है जिन्हें आपने देखा है, सुना है, समझा है। जैसे आपने कहा था दिलीप साहब थे, गुरुदत्त साहब थे, उनसे आपको मिलता था, जब आपका जो फेस जिस समय आप फिल्म वर्ल्ड में गए तो आपको कौन लगा कि ये लोग हैं जिनके साथ काम करने का वो? देखिए उन्हें कलाकारों में कहना चाहिए, कलाकारों में कहूँगा कि हम तो बड़े खुशकिस्मत रहे, इसलिए कि जिस वक्त हम लोग निकले उसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन भी आए, और साथ में हमने बहुत सारी फिल्में की, और जंजीर की सफलता में भी आपका मतलब भागीदारी थी, बहुत शोले में आपकी थी। जी जी, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हमारी फिल्मों में, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे लोग थे उस वक्त,
जो शशि कपूर साहब थे, धर्मेंद्र साहब थे, या डायरेक्टर जैसे यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, फिर मैंने राहुल रवेल के साथ अर्जुन, डकैत, बेताब, ये पिक्चरें की। आपने जैसे हीरो के नाम बताए, ऐसे हीरोइन मतलब जो इस तरह की जो अभिनेत्रियाँ थी, देखिए आपकी पसंदीदा कौन रही, मतलब शबाना जी के अलावा भी? नहीं, मैं तो शबाना जी तो है ही। हम लोग जब कॉलेज में थे उस वक्त नरगिस जी थी, नूतन जी थी, फिर नरगिस जी तो बाद में रिटायर हो गई थी, लेकिन नूतन जी, मीना कुमारी जी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले लोग थे। फिर जिन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हिंदुस्तान में हीरोइन का कॉन्सेप्ट है उसे चेंज करने में, वो है जया बच्चन का। जया बहादुरी थी वो, तब जब वो गुड्डी में आई, वो एक अलग ही तरह की हीरोइन थी। दो हीरोइंस हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म की हीरोइन को बहुत चेंज किया, जया बहादुरी जो बाद में जया बच्चन हुई, और दूसरे ज़ीनत अमान। ज़ीनत अमान ने हिंदुस्तानी फिल्म की हीरोइन को पहली बार इतना वेस्टर्नाइज किया, इससे पहले हिंदुस्तानी फिल्म की हीरोइन वेस्टर्नाइज नहीं होती थी, सिर्फ वैम्प वेस्टर्नाइज होती थी। तो जावेद साहब कह रहे हैं कि किस तरह से हमारे फिल्म का रुख बदला, और फिल्म के रुख के अलावा भी समाज में बहुत कुछ करने की कोशिश जावेद साहब करते रहे हैं। हम अगले सेगमेंट में उसी पर बात करेंगे अगले भाग में, और इस बातचीत को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दिल से, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कुछ लोग जो एक्सट्रीम सेकुलर है वो कभी कभी आप पर शंका करते हैं। एक आम हिंदू को ये बात पता है कि अगर मैं VHP और बजरंग दल के खिलाफ बोलता हूँ तो मैं ये जो मुसलमान कम्युनलिस्ट है मैं उसके खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत रखता हूँ, भले कुछ हो जाए। दिल से एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर शायर और फिल्मकार जावेद अख्तर साहब से। जावेद साहब, अभी जिस तरह से हमने कहा कि फिल्मों में कुछ पश्चिम का असर आया, कुछ हॉलीवुड का असर आया, आपको लगता है कि भारत में जो फिल्म का जिस तरह से एकदम विस्फोट सा हुआ है, मीडिया का विस्फोट सा हुआ है, इसका लाभ मिल रहा है या कहीं हम कहीं घाटे में भी जा रहे हैं? बात क्या है कि पहली बात ये समझिए कि फिल्म जो है वो समाज का एक अंग है। व्यवसाय, राजनीति, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब के सब जो हैं अलग अलग हिस्से हैं, और इन सब से मिलके गांव, खेत, फैक्ट्रीज, मजदूर, किसान, ये सब मिलके एक समाज बनता है। फिल्म जो है वो कुछ दूसरे प्लेनेट से बनके तो आती नहीं है, इसी समाज में है। लेकिन फिल्म में तो होता है, वो सामने देख देते हैं, वीडियो रख देते हैं, कहते हैं साहब ये हॉलीवुड में ये फिल्म बनी, इसकी कॉपी ऐसी बनना है। कामयाबी दुनिया में किसी काम में आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता वो तो DVD आपको भी मिल जाएगा, आप जाके लेख बना दीजिए, ऐसा क्या मुश्किल है, कहाँ झंझट में पड़े आप। TV नकल करना भी बहुत कठिन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो नकल से काम चल ही नहीं सकता, ये ख्याल ही गलत है। वो हिंदुस्तानी कभी उसे मानेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं। हमारे यहाँ जो वेस्टर्नाइजेशन है वो सिर्फ स्किन डीप है। हिंदुस्तानी ऊपर ऊपर से वेस्टर्नाइज्ड है लेकिन वो अंदर से हिंदुस्तानी है, उसके संस्कार जो हैं वो हिंदुस्तानी है। इसलिए कोई ऐसी कहानी जिसके संस्कार हिंदुस्तानी ना हो वो इस मुल्क में चल ही नहीं सकती। ये आपको कई बार गुस्सा आता है जब दंगे होते हैं, चाहे गुजरात का दंगा हो, दूसरे दंगे हो, आप कई बार सड़क पे भी उतर जाते हैं, लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो वो कैसे आप उसमें कैसे करते हैं, चूंकि आपकी एक अलग मांग है, आपकी एक अलग एक तरह से पूरी अपना एक लोकप्रियता है। अरे वो अपनी जगह है लोकप्रियता, है फिल्में अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम एक देश के नागरिक हैं। कल मैं फिल्में छोड़ दूँ, रहूँगा तो हिंदुस्तानी ना, कल को मैं काम करूं, नहीं करूं, कोई दूसरा काम शुरू कर दूं, मैं ऐसा करूं कि ताले बनाने लगूं, या संदूक बनाने लगूं, या कुर्सी फर्नीचर की दुकान खोल लूं, तो भी हिंदुस्तानी रहूं। तो मेरी फिल्म की आइडेंटिटी तो बात की है, पहले तो ये है कि मैं किस देश का नागरिक हूं, कहां जन्मा हूं, मैं कहां पैदा हूं, किस मिट्टी से बना हूं, उससे थोड़ी उससे पहले के समय आपको कोई कट्टरपंथियों से सामना करना पड़ा, कभी कोई ऐसी घटना है? ऐसा कैसे नहीं होगा, आप अगर ठीक बात कहेंगे तो कट्टरपंथी को कैसे अच्छी लगेगी,
और अगर अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ठीक बात नहीं है। तो ठीक बात का तो इम्तिहान ही है कि कट्टरपंथी को बुरी लगी कि नहीं लगी। अगर बुरी लगी तो ठीक है, वही आपका सर्टिफिकेट है कि बुरी लगी। सही बात। तो गुजरात में आपको फेस करना पड़ा या उत्तर प्रदेश में फेस करना पड़ा? हमें तो सब जगह, देखिए एक बात बताऊँ आपको, आपको अगर सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़नी है तो आप चुन के नहीं लड़ सकते कि ये वाले कम्युनिस्ट से तो लड़ेंगे और वो वाले से नहीं लड़ेंगे, ये वाले फंडामेंटलिस्ट को तो हम बुरा कहेंगे और वहाँ चुप हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। और ये बहुत बार हुआ है और इसकी वजह से नुकसान ही हुआ है समाज और देश का। तो अब हमारे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं और बढ़ते जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि जो अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी वर्ग की, किसी जात की, किसी भी जगह की और किसी धर्म की, फंडामेंटलिज्म जो है अगर वो हमारे नेशनल इशू को चैलेंज कर रही है या कम्युनलिज्म जो है इस देश की शांति को भंग कर रही है, तो वो कहीं से भी आ रही है, उसकी खड़े होकर साफ साफ शब्दों में आपको मुखालफत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या राज है या आपका जादू है जिसको कहें कि आप उसके बाद भी ऐसे लोग जैसे बीजेपी सरकार में थी, अटल जी भी आपके उतने ही चाहने वाले थे, वो ग्वालियर की वजह से थे या आपके विचारों की वजह से थे, या कुछ लोग जो एक्सट्रीम सेकुलर है वो कभी कभी आप पर शंका करते हैं कि आप पता नहीं आप कैसे वो आपको पटा लेते हैं? नहीं, मुझ पे कोई शंका नहीं करता, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊँ एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े लीडर RSS के, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ और कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर मिलूँगा। उन्होंने हमारे एक जानने वाले से एक बात कही जो मुझ तक पहुँची, कहने भाई मैं ये आदमी से मिलना चाहता हूँ, जावेद अख्तर जो है। तो उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों, आपको क्या, तो फिल्में राइटर है। कह नहीं उस वजह से नहीं, कहें ये TV पे बैठ के जो मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हैं उन्हें गाली देता है और खूब बुराई करता है इनकी और पता नहीं क्या क्या कह देता है उन्हें, लेकिन मुसलमान कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। और ये हमारे लोगों को भी जो हमारे जैसे हैं हमको भी गाली देता है और हमें हमारी बुराई करता है, और कहते मेरे वर्कर आते हैं तो मैं कभी उनसे पूछता हूँ कि वो कैसा है, तो कहते नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये आदमी कैसा है कि ये इनकी भी बुराई करता है, हमारी भी बुराई करता है, और दोनों हिंदू मुसलमान कहते हैं कि अच्छा आदमी है। तो मैं बड़ा फ्लैटर हुआ सुन के। बात यह है कि हिंदुस्तान का आम आदमी फेयर आदमी है, वो अगर ये आपके बारे में महसूस करें कि देखो ऐसा नहीं है कि ये एक कम्युनलिज्म को तो बुरा कहते हैं और दूसरे पे चुप रहते हैं, जिस दिन उसके दिल में ये विश्वास हो वो आपके साथ हो जाएगा और वो आपकी इज्जत करेगा। एक आम मुसलमान जो है उसे ये पता है कि अगर मैं ये फतवे देने वालों के खिलाफ बोलता हूँ तो फिर मैं VHP के खिलाफ भी बोलता हूँ। एक आम हिंदू को ये बात पता है कि अगर मैं VHP और बजरंग दल के खिलाफ बोलता हूँ तो मैं ये जो मुसलमान कम्युनलिस्ट है मैं उसके खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत रखता हूँ, भले कुछ हो जाए। ये आपकी खासियत है और ये खासियत नहीं है, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य भी है एक हिंदुस्तानी होने के नाते, ये हमारा फर्ज है। और अगर हम ये नहीं करें तो ये एक बहुत बड़ा बुरा काम होगा। चुप रहना जो है कोई खूबी नहीं है। साहब हम तो कुछ नहीं बोले, आप क्यों नहीं बोले? देश में ऐसी सी बातें हो रही हैं, आप चुप बैठे हैं? कैसे चुप बैठे हैं? आप चुप बैठे हैं तो आप उनका साथ दे रहे हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। जावेद साहब आप बोलते रहें और लोगों को अच्छी बातें समझाते रहें, लेकिन इस कार्यक्रम के अंत में कोई आपका पसंदीदा एक शेर का जिसको कहना चाहिए कि दो लाइन आप यदि सुनाएं तो दिल से लोगों को लगा कि इस कार्यक्रम में दिल से हम बात को समाप्त कर रहे हैं। दो शेर सुना देता हूँ आपको, सुने गौर से। जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर है। क्या बात। जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर है कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। वाह क्या बात, बहुत खूब। कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है, कभी तो इंसान जिंदगी की करेगा इज्जत। वाह। कभी तो इंसान जिंदगी की करेगा इज्जत, ये एक उम्मीद आज भी दिल में पल रही है। क्या बात है। इस उम्मीद के साथ कि किसी तरह से ये जंजीरें पिघलती रहें, सांप्रदायिकता भी खत्म हो, लोगों के मन में मोहब्बत हो, शायरी हो और एक दूसरे के प्रति इज्जत हो, यही जावेद साहब का कहना है। हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, अगली बार एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।